दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन, वो भी Vivo V17 Pro वर्सेस OnePlus 70 Pro जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। OnePlus 70 Pro जो है आपका एक फ्लैगशिप फ़ोन है जो कि लगभग सारे ही लेटेस्ट फीचर के साथ आता है और लेटेस्ट कैमरा के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फ़ोन के कैमरा की फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आती हैं, कौन ज़्यादा अच्छी सेल्फी खींचता है। Hello friends, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel for latest updates and don't forget to press the bell icon. तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ग्रीन शॉट्स की और आप लोग देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस। OnePlus 70 Pro का अलग ही कलर शेड है जबकि Vivo V17 Pro का बिल्कुल अलग शेड है। अगेन आप देख सकते हैं नाइट मोड के अंदर अगर मैं आ जाऊं और नाइट मोड में आप देख पाएंगे कि दोनों ही फ़ोन के अंदर फोटोज़ में थोड़ी धुंधली दिख रही हैं, बट तब भी Vivo V17 Pro थोड़ा डार्क है और OnePlus 70 Pro थोड़ा ब्राइट है। तो इन एनी केस मैं OnePlus 70 Pro को इसमें विन दिखाऊंगा। आप इस वाली फोटो को देखिए, ये थोड़ी लो लाइटनिंग कंडीशन में खींची गई है और आप लोग देख सकते हैं कि OnePlus 70 Pro अगेन जो है आपका काफ़ी शार्प फोटोज़ दे रहा है जबकि Vivo V17 Pro जो है थोड़ा डल है और OnePlus 70 Pro अगेन इसमें हिट है। तो सब बात करते हैं जूम की टेस्ट की और आप देख सकते हैं ये है 1x जूम पे। अब मैं इसको लूँगा 2x जूम पे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डिफरेंस दोनों ही फ़ोटोज़ में। और अगर मैं बात करूँ दोनों ही फ़ोनों के अंदर 10x जूम की तो आप एक्चुअल डिफरेंस देख पाएंगे कि कौन सी फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लियर हैं। तो यहाँ पे क्लियरली Vivo V17 Pro काफ़ी अच्छा काम कर पाया है देन टू OnePlus 70 Pro। दोस्तों बात करते हैं रेड कलर्स की, तो रेड कलर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सेचुरेशन ज़्यादा है OnePlus 70 Pro के अंदर देन टू Vivo V17 Pro। आप क्लियर डिफरेंस दोनों के फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं थोड़ा ऑरेंजिश कलर की तो अगेन आप लोग देख सकते हैं कि सेचुरेशन जो है और हाई कॉन्ट्रास्ट आपका OnePlus 70 Pro के अंदर आ रहा है देन टू Vivo V17 Pro। दोस्तों सेल्फी शॉट्स के अंदर बात करेंगे तो फेस को बिल्कुल साफ वाइट करने का काम जो है Vivo V17 Pro हमेशा से करता आया है और OnePlus 70 Pro कहीं ना कहीं इसमें लैग मुझे दिखता है। दोस्तों जब मेरे पीछे की साइड सन था तब भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फोटोज निकाली हैं Vivo V17 Pro ने। दोस्तों ग्रुप सेल्फी फोटोज में, ग्रुप सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में Vivo V17 Pro फेल हो गया है और OnePlus 70 Pro काफ़ी अच्छा वर्क कर गया है। दोस्तों बात करूंगा वाइट कलर फोटोज़ की, तो वाइट कलर में आप क्लियरली देख सकते हैं वाइट कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है OnePlus 70 Pro के अंदर देन टू Vivo V17 Pro के अंदर। दोस्तों साथ ही साथ आप एक काम कीजिए कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। दोस्तों बात करते हैं येलो शॉट्स की और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे कि येलो कलर में दोनों ही फ़ोनों के काफ़ी अलग शेड्स आ रहे हैं। कौन सा कलर आपको पसंद है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से फ़ोन की फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट मोड की, तो नेक्स्ट मोड जो है हम लोगों ने रैंडम शॉट्स में लिए गए हैं और रैंडम शॉट में आप लोग देख पाएंगे मैंने अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन में लिया है, कहीं पे बैकफिल किया है उसको लाइट के साथ और कहीं पे फ्रंट फेसिंग करा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही शॉट में OnePlus 70 Pro काफ़ी अलग टाइप के शॉट निकाल रहा है जबकि Vivo V17 Pro हमेशा से जैसा रहा है वो वैसा ही है। Vivo के शॉट्स हमेशा से बेटर होते हैं कैमरा के मामले में, बट कहीं ना कहीं मुझे इस बार ऐसा लगा कि OnePlus 70 Pro ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। दोस्तों बात करेंगे अगर आपकी स्काई की, तो स्काई के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो Vivo V17 Pro हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है देन टू OnePlus 70 Pro। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैक्रो शॉट है और मैक्रो शॉट में Vivo V17 Pro काफ़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है और OnePlus 70 Pro ने काफ़ी अच्छे शॉट्स निकाले हैं। Vivo V17 Pro कहीं से भी फोकस नहीं कर पाया है मैक्रो शॉट्स को। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब एक्सपोजर टेस्ट की, जहाँ पे मैंने डायरेक्टली सन को फेस करके देखा है कि एक्सपोजर को कैसे हैंडल करेगा Vivo V17 Pro और OnePlus 70 Pro। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सेल्फी फ़ोटो ली है और क्लियरली आप देख सकते हैं Vivo V17 Pro ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप बिल्कुल समय पर देख पाएँ।